के लेकर आए हैं हम आपके लिए एक बार फिर। पहला वीडियो आप लोगों ने देखा और कुछ अच्छे कमेंट भी हैं उसमें, और डेली वीडियो के लिए डिमांड भी आपकी, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आज हम फिर से केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, KMnO4 हमारा पोटेशियम पर मैग्नेट द्वारा ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन कर इथाइल बेंजीन निम्नलिखित में से किस उत्पाद को बनाता है। क्वेश्चन को समझें आप, KMnO4 जो है वो करेगा ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारा KMnO4, यानी कि प्रबल ऑक्सीकारक। ये इथाइल बेंजीन का करेगा ऑक्सीकरण, तो उत्पाद कौन सा बनेगा। तो आपको ऑप्शन देने से पहले यहाँ पे हमने पूरी रिएक्शंस को, अभिक्रिया को आपके सामने एक्सप्लेन किया है। देखिए ये हमारा CH2CH3 इथाइल और ये बेंजीन, यानी ये क्या बन गया आपका इथाइल बेंजीन। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इस इथाइल बेंजीन का कर देगा ऑक्सीडेशन, बचेगा एक कार्बन और जो जरूरत के जो ऑक्सीजन है वो हमको कौन अवेलेबल करवाएगा। यस, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और एक हाइड्रोजन, यानी कि ये आपका हो गया कार्बोक्सिल ग्रुप और ये आपका बेंजीन, तो बन गया आपका बेंजोइक एसिड। साथ में CO2 और H2O रिलीज होगा। एक कार्बन तो हमारा कार्बोक्सिल एसिड का यहाँ पे आ गया, CH2CH3 दो कार्बन थे आपके पास, उसमें से एक कार्बन यहाँ पे बचे हुए जो ऑक्सीजन जो इसको जरूरत थी CO2 बनाने के लिए वो हमको किसने दिए। यस, KMnO4, तो CO2 और H2O, यहाँ से दो हाइड्रोजन जो बचे हुए थे वो यहाँ पे और ऑक्सीजन, बेंजोइक एसिड, CO2 और H2O। अब आ जाते हैं हमारे ऑप्शंस। ऑप्शन है पहला एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन, बेंजोइक अम्ल यानी बेंजोइक एसिड और बेंजोइल एल्कोहल। तो हमारा आंसर क्या होगा, बेंजोइक एसिड। इथाइल बेंजीन जो कि एक हाइड्रोकार्बन है उसका ऑक्सीकरण किया गया यहाँ पे KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा और दिया गया यहाँ पे एसिड, वो भी कौन सा, बेंजोइक एसिड। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। निम्नलिखित यौगिकों को उनके क्वथनांकों बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर लेना है आपको, बढ़ता हुआ क्रम में व्यवस्थित करना है। अब किन किन को उनके बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको बढ़ाना है वो थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे उसने क्वेश्चन में सिंबल लिया है, पी का मतलब हमको मानना है प्रोपेनल, क्यू का मतलब प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेन वन ऑल आर और एस एन ब्यूटेन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा हम देख लेते हैं क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कोई भी लिक्विड द्रव पदार्थ है उसको हम गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो उसकी वेपर्स बनेंगी, भाप बनेगी, तो वो भाप उस द्रव के ऊपर, लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाएगी, तो वो प्रेशर जो लिक्विड जब हीट किया उसकी वेपर्स जो बनी, वो वेपर्स ने जो लिक्विड के ऊपर प्रेशर डाला है, द्रव के ऊपर जो दबाव डाला है, वो जब हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के प्रेशर के इक्वल हो जाए, वातावरण दबाव के, वायुमंडलीय दबाव के, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो वो जो लिक्विड है वो बॉयल होना स्टार्ट कर देगा, यानी कि उबलना शुरू कर देगा, और वो जो टेम्परेचर होगा वही हमारा क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक। तो ये तो बॉइलिंग पॉइंट का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को पता होगा। बात आती है हमारे क्वेश्चन की, हमको ये जो दिए हुए हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट के सबसे कम किसका है, फिर उससे ज़्यादा इस इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको लेना है। अब जो प्रोपेनल है, यहाँ एक्सप्लेनेशन में आप देखें, ऑप्शन से पहले आपको एक्सप्लेन किया गया है, प्रोपेनल यानी कि अल कहाँ लगता है, एल्डिहाइड, CH3CH2CHO, तीन कार्बन है हमारे पास, एक दो तीन, प्रोपेन यानी तीन कार्बन और अल मतलब एल्डिहाइड, तो CH3CH2CHO, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता 322 केल्विन में है, टेम्परेचर ध्यान रखें सेल्सियस में नहीं है, केल्विन। उसके बाद आपका प्रोपेनोइक अम्ल CH3CH2COOH, यहाँ पर भी तीन कार्बन और ओइक एसिड यानी कि हमारा बेंजोइक, सॉरी यहाँ जो है एसिड ग्रुप हमारा होना चाहिए, तो ये COOH, ये CH3CH2 तीन कार्बन, ये आपका प्रोपेनोइक अम्ल जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो क्वथनांक है वो है 414 केल्विन, 414 केल्विन। उसके बाद है हमारा प्रोपेन वन ऑल, ये तीन कार्बन, एक दो तीन, और ऑल का मतलब है हमारा एल्कोहल, क्रियात्मक समूह कौन सा है, OH एल्कोहल,
यूपीएससी में जब इसका नामकरण करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे, तो तीन कार्बन प्रोपेन और पहले कार्बन पे ओएच है तो प्रोपेनॉल। इसका बॉइलिंग पॉइंट यानी कि जो क्वथनांक है वो 370 केल्विन है। उसके बाद बात आती है हमारे ब्यूटेन की, एन ब्यूटेन, चार कार्बन सीधे सीधे जुड़े हुए सिंपल चेन से बन गया एन ब्यूटेन। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 309 केल्विन। यहाँ पे चारों जो हमारे समूह दिए हुए हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट आपके सामने लिख दिए गए हैं। सबसे कम सबसे ज़्यादा आप आसानी से अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे कम यहाँ दिख रहा है एन ब्यूटेन का, यानी कि जो हमारा एस है उसका सबसे कम होगा। उसके बाद आप देखें तो फिर है हमारा पी 322 केल्विन के साथ प्रोपेनल। उसके बाद है हमारा 370 केल्विन के साथ प्रोपेन वन ऑल यानी कि आर। और सबसे लास्ट में बचा क्यू, प्रोपेनोइक अम्ल, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक के साथ 414 केल्विन। तो ऑर्डर हमारा हो जाएगा पहले एस, फिर हो जाएगा पी, फिर हो जाएगा हमारा आर और फिर हो जाएगा क्यू। एस पी आर क्यू, ये रहा हमारा सही आंसर, एस पी आर क्यू। अब इस पे भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों है ऐसा, क्यों एन ब्यूटेन का कम है, प्रोपेनॉल का उससे ज़्यादा, प्रोपेन वन ऑल का उससे ज़्यादा है, फिर प्रोपेन वन ऑल का है, प्रोपेनॉल का, और सबसे लास्ट में प्रोपेनोइक एसिड का। तो ये जो एन ब्यूटेन है इसके साथ कोई भी ऋणात्मक जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या जो विद्युत ऋणात्मक जो परमाणु नहीं जुड़ा हुआ है तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा। आसानी से इस मॉलिक्यूल को हम कम टेम्परेचर देकर भी तोड़ लेंगे। सबसे कम होने का रीजन इसका ये है। उसके बाद हम बात करें प्रोपेनल की, CHO, इसके साथ एक ही ओ है, इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है CO, कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यानी कार्बोक्सिल जो ग्रुप होता है उसकी वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इसका थोड़ा ज़्यादा है कार्बन और ऑक्सीजन की वजह से। और जो प्रोपेन वन ऑल है इसका ज़्यादा होने का कारण है O और H यानी कि ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है या हाइड्रोजन बंद के साथ जुड़ा हुआ है प्रोपेन वन ऑल। इसलिए इन दो के कंपैरिजन में इसका बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा है प्रोपेनोइक अम्ल का COOH। इसका प्रोपेनोइक अम्ल का जो बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक सबसे ज़्यादा होने का कारण है कि कार्बन ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं वो है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर दो तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे जो है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इस प्रोपेनोइक एसिड के अंदर होता है जो कि एक मजबूत बंध है। तो इस मजबूत बंध वाले यौगिक को, प्रोपेनोइक अम्ल को तोड़ने के लिए इन सभी से हमको जो ऊर्जा है वो ज्यादा लगानी पड़ेगी। इस कारण, इस वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसका जो क्वथनांक है, बाकी के कंपेरिजन में थोड़ा ज्यादा है। उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए। प्रॉप टू इन वन ऑल, ये आपका प्रॉप टू इन वन ऑल में सिग्मा व पाई बंद की कुल संख्या हमको निकालनी है। पाई बंद कितना है और सिग्मा बंद कितना है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सबसे पहले प्रॉप टू इन वन ऑल का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। ऑप्शन दे रखे हैं, सिग्मा बंद पहला ऑप्शन है, सिग्मा बंद 8 और पाई बंद 1। दूसरा ऑप्शन है सिग्मा बंद 6 और पाई बंद 3 और सिग्मा बंद 7, पाई बंद 3 और सबसे लास्ट में सिग्मा बंद 7 और पाई बंद 2। सिग्मा और पाई बंद, जब भी सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड होगा, जब कोई डबल बॉन्ड होगा तो वहाँ एक तो सिग्मा होगा और एक पाई होगा, और जब भी कहीं ट्रिपल बॉन्ड यानी तीन बंद होंगे तो एक सिग्मा और पाई कितनी बार होगा, यस 2 बार, यानी एक सिग्मा 2 पाई। ये हमारा सिंपल सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट है कि सिग्मा, जब कार्बनिक यौगिकों में हम सिग्मा और पाई बंध को देखते हैं तो क्या स्थिति होती है हमारी। ये स्ट्रक्चर देखते हैं अपन, हमारा जो था प्रॉप टू इन वन ऑल, ऑल मतलब कोई एल्कोहल है, ये हमारा स्ट्रक्चर है प्रॉप टू इन वन ऑल का। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन है ना प्रॉप, ठीक है। पहले कार्बन पे इन यानी कि पहले कार्बन पे आपका ट्रिपल बॉन्ड और ये OH यानी एल्कोहल, पहले कार्बन पे OH है और तीसरे ये जो हमारा है दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ये हमारा सेकंड कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन और ये थर्ड। पहले स्ट्रक्चर जब तक सही नहीं बनेगा तब तक हम सिग्मा और पाई बंध को सही से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। यहाँ देखिए कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध है
और यहाँ OH पहले कार्बन के साथ अटैच है। अब देखते हैं कि ये हम कैलकुलेशन किस तरीके से कर पाएंगे प्रोपेन वन ऑल की। देखिए यहाँ पे आपके लिए सब चीज़ें लिखी हुई है डिटेल में, कि जब कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, ये देखिए ये कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड ये। और अभी हमको आप लोगों को बताया गया था कि एक सिंगल बॉन्ड जब होगा तो सिग्मा बंद कितने होंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, कितने हो गए दो। यस, कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे ये इनके बीच में दो सिग्मा बंद हो गए। आगे बढ़े, कार्बन और हाइड्रोजन, एक ये रहा एक ये रहा और एक ये रहा, कितने हो गए कार्बन और हाइड्रोजन, केवल कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये, तो कितने हो गए तीन सिग्मा बन। यस, अब बचा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, दिख रहा आपको कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ कितना हो गया एक सिग्मा बॉन्ड। यस, देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, ये आपका एक ऑक्सीजन और ये आपका एक हाइड्रोजन, दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, यानी यहाँ भी एक सिग्मा बंद होगा, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में एक सिग्मा बन। अब बचा क्या है, बचा हमारे पास ये है, हमको सारे हो गए सिंगल सिंगल बॉन्ड। अब ये यहाँ जो दो डबल बॉन्ड है इनके लिए क्या होगा, अभी आपको बताया गया था कि जब ट्रिपल बॉन्ड हो तो एक होगा सिग्मा और पाई कितने होंगे दो, तो डेफिनेटली यहाँ पे पाई कार्बन कार्बन के बीच में पाई कितने होंगे दो। तो अब इन सबको जोड़ लेते हैं अपन, जितने भी सिग्मा है इन सबको जोड़ लीजिए, दो और तीन पांच और एक छह और एक सात, तो कार सिग्मा बन कितने हो गए सात और पाई बन कितने हो गए दो। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है देखते हैं, ऑप्शन सिग्मा बन सात और पाई बन दो। यस, फोर्थ वाला, ये हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। ये जो सिग्मा और पाई बन से रिलेटेड जो एक एग्जांपल देगा, ये आप अपने घर पर और भी कई सारे एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं, कहीं पर प्रॉब्लम आए डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चंस रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, फोर्थ वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में एक आकार चयनात्मक उत्प्रेरक, आकार चयनात्मक उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। ये चार कुछ प्रक्रियाएं दे रखी है, उसमें से हमको ये बताना है कि उत्प्रेरक यहाँ पे यूज है सभी में, लेकिन आकार चयनात्मक यानी सिलेक्टिव जो कैटेलाइसिस है, शेप सिलेक्टिव, वो कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे हम, ऑप्शन देखने से पहले उत्प्रेरक के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे ठीक रहेगा। कैटेलाइज, कैटेलिस्ट, कैटेलिस्ट क्या है, कैटेलिस्ट कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, रासायनिक अभिकर्मक होते हैं जो क्रिया कारक को उत्पाद में बदलने में मदद करते हैं। कभी कभी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देंगे, कभी कभी अभिक्रिया की दर को कम कर देते हैं। नॉर्मली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते दिखाई देते, लेकिन वापस अपना बंध तोड़ के ओरिजिनल जो अपनी सिचुएशन है उसी में आ जाते हैं, एज इट इज, जैसा रिएक्शन से पहले थे रिएक्शन के बाद भी उसी तरीके से उसी फॉर्म में वापस आ जाते हैं, यानी इनकी मात्रा खर्च नहीं होती। ये होते हैं हमारे उत्प्रेरक। उत्प्रेरक कई प्रकार के होते हैं, आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, नेगेटिव कैटलिस्ट होता है, जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी देता है और अभिक्रिया की दर को कम भी कर देता है। तो ये तो एक जनरल बात होगी हमारी जो है उत्प्रेरक को लेके। अब बात करते हैं हम, ये जो हमारे ऑप्शंस हैं ये देखते हैं हम। पहला है एल्कोहल से गैसोलीन में रूपांतरण, एल्कोहल और गैसोलीन मतलब हाइड्रोकार्बन, कि एल्कोहल से अगर अपन हाइड्रोकार्बन बनाएंगे तो उसमें हो सकता है आपका चयनात्मक उत्प्रेरक का उपयोग किया जाए। दूसरा है हमारा अमोनिया का संश्लेषण, अमोनिया का सिंथेसिस। तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से मेथेनॉल का संश्लेषण। और चौथा है एथिलीन का बहुलीकरण, या इसको बहुलीकरण बहुलकीकरण भी कह सकते हैं। इसका सही आंसर है एल्कोहल से गैसोलीन में रूपांतरण। इसका एक्सप्लेनेशन जरूर देखें हम, कि शेप सिलेक्टिव जो कैटेलाइज है, आकार जो चयनात्मक वाला जो ये उत्प्रेरक है, ये इनके जो संरचना होती है वो मधुमक्खी के छत्ते की जैसे होती है, छोटे छोटे इनके अंदर छेद होते हैं, और कुछ विशेष प्रकार के अभिकर्मक ही क्रियाकारक ही इनके साथ जुड़ सकते हैं और वो क्रिया कर सकते हैं, इसलिए उनने बोला शेप सिलेक्टिव, यानी जिनकी जैसे कि एक हर एक ताले की एक स्पेसिफिक चाबी होती है, उसी स्पेसिफिक चाबी से ही वो ताला खुलेगा, उसी तरीके से ये उत्प्रेरक भी हर किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगी, इनकी शेप के अंदर जो आसानी से फिट बैठ जाएगा वही उसी के साथ रिएक्शन करेंगे। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है ZSM5, जूलाइट एल्यूमिनो सिलिकेट, एक उत्प्रेरक है जो एल्कोहल को गैसोलीन यानी हाइड्रोकार्बन के एक मिक्सचर में क्या करता है, बदल देता है। यहाँ पे वही नहीं रिएक्शन नीचे लिखी हुई है कि हमारा एल्कोहल का मिक्सचर है, ZSM5 जो है उसको मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोकार्बन का एक मिक्सचर जिसको हम यहाँ गैसोलीन बोल रहे हैं उसमें परिवर्तित कर देगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, एक रासायनिक अभिक्रिया केमिकल इक्वेशन है,
दर तापमान में प्रत्येक 10 डिग्री के साथ, यानी कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उसकी दर हर बार तापमान के साथ, और तापमान में वृद्धि कितनी हो रही है, 10 डिग्री हर बार, एक एक रिएक्शन आगे बढ़ेगी, ऐसे बी बी से सी हर बार 10 डिग्री बढ़ेगी टेम्परेचर, तो अभिक्रिया की दर कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी यानी डबल हो जाएगी। अगर हम उसी अभिक्रिया का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दें तो अभिक्रिया की दर कितनी बढ़ जाएगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये कुछ तो क्वेश्चन में उसने दिया है कि जो अभिक्रियाओं में जो तापक्रम होता है 10 डिग्री की अभिक्रिया, 10 डिग्री की जैसे ही अपन उस रिएक्शन को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो उसकी दर जो है अभिक्रिया की दर डबल हो जाएगी। अभिक्रिया की दर के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि अभिक्रिया की दर क्या है। तो मान लो एक कोई क्रिया कारक है वो बी में बदल रहा है, तो ए क्रिया कारक और बी आपका क्या हो गया, उत्पाद हो गया। तो समय के साथ जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे ए जो अभी कारक है वो, और जो बी जो आपका उत्पाद है वो, उन दोनों की जो सांद्रता में कंसंट्रेशन में जो परिवर्तन आएगा, जो चेंज आएगा समय के साथ, वही क्या हो जाएगी, हमारी अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन इंग्लिश में बोले तो, और हिंदी बोले तो अभिक्रिया की दर, क्रिया कारक की सांद्रता और जो आपका प्रोडक्ट है जो उत्पाद है उसकी सांद्रता में समय के साथ जो परिवर्तन होता है वो अभिक्रिया की दर है। और यहाँ पे बोला गया कि हर बार जैसे जैसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे जो है आपकी जो अभिक्रिया की दर है वो कितनी हो जाएगी, 2 गुनी। उसको हम एक एग्जाम्पल से यहाँ पे समझाया गया है कि ए नाम का कोई रिएक्टेंट है वो काय में बदल रहा बी में, और टेम्परेचर हमने कितना बढ़ाया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, उसकी कंसंट्रेशन यानी सांद्रता थी, मान ली हमने कि जो ए नाम का जो अभी कारक था उसकी सांद्रता एक्स थी, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड बाद जब बी बनेगा तो सांद्रता कितनी हो जाएगी, यस 2x, 2 का गुणा कर दिया हमने, फिर 10 डिग्री फिर बढ़ाया, सी नाम का प्रोडक्ट बना तो 2 से कितनी हो जाएगी, 4 गुना, यस। फिर 10 डिग्री बढ़ाएंगे डी बन जाएगा 8 गुना, फिर डी से आपका ई बन जाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर टेम्परेचर बढ़ाया कितना हो गया, 16 गुना। इसी कंटिन्यूस ए नाम की रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे तो, और लास्ट में एफ 10 डिग्री और बढ़ाया तो कितना हो गया, 32x। इन सबको जोड़ ले, 10, 20, 30, 40 और 50, आपका 50 डिग्री सेंटीग्रेड क्वेश्चन में दिया गया है, 50 डिग्री तक बढ़ा दिया जाता है तो अभिक्रिया की दर कितनी बढ़ जाएगी, जो हमने एग्जाम्पल देखा उससे हमें कितनी दिख रही है, यस राइट 32 गुना। तो अब ऑप्शन जाएं आप डायरेक्ट 10 गुना, 24 गुना, 64 गुना, 32 गुना, द आंसर इज 32 मल्टीप्लाई, ठीक है 32 गुना। उम्मीद है क्वेश्चन में मजा आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन है, एक प्रयोग में यह प्रेक्षित किया जाता है कि कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड के दहन यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं हम, उसका ऑक्सीकरण कर रहे हैं, तो एंथैल्पी, एंथैल्पी किसे कहेंगे, जो ऊर्जा उस पूरी प्रक्रिया में मुक्त हो रही है वो उसकी क्या हो जाएगी, एंथैल्पी कितनी दी हुई है, कार्बन की दहन की एंथैल्पी -393.5, और कार्बन मोनोऑक्साइड को जला रहे हैं तो कितनी है, -283, -283 किलो जूल मोल इनवर्स 1, ये इसकी यूनिट है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है किलो जूल मोल इनवर्स 1 में हमको निकालना क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड के निर्माण की एंथैल्पी निकालना है। अब निर्माण की एंथैल्पी और दहन की एंथैल्पी भी समझ ले, दहन की एंथैल्पी मतलब जैसे यहाँ बोला गया कार्बन की दहन एंथैल्पी, कार्बन मोनोऑक्साइड की दहन एंथैल्पी, तो कर क्या रहे, कार्बन का 1 मोल हमने लिया है और कार्बन के 1 मोल का ऑक्सीकरण करने में, उसको जलाने में, पूरे 1 मोल को जब हम दहन कर देंगे जल जाएगा पूरी तरीके से, उसका कम्बशन हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, तो जितनी ऊर्जा उस पूरी प्रक्रिया में मुक्त होगी वो उसकी दहन की एंथैल्पी हो जाएगी। तो ये तो दहन की एंथैल्पी हो गई। अभी यहाँ एक वर्ड हो रहा है निर्माण की एंथैल्पी, तो निर्माण की एंथैल्पी क्या, कि कोई यौगिक कंपाउंड आप बना रहे हैं जैसे कार्बन ऑक्सीजन मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक आपका जो है यौगिक हो गया, और उसके तत्व क्या हो गए, एक हो गया कार्बन और एक क्या हो गया ऑक्सीजन। तो उस निर्माण में जो कार्बन मोनोऑक्साइड का 1 मोल का अगर हम जो निर्माण कर रहे हैं उसमें जो भी ऊर्जा मुक्त होगी पूरी प्रक्रिया में वो उसकी निर्माण की एंथैल्पी हो जाएगी, निर्माण कर रहे हैं किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का। अब ऑप्शन देख लेते हैं, ये पूरा संख्यात्मक प्रश्न करना पड़ेगा, 110.5, 676, -110.5 और -676.5, ये किलो जूल मोल इनवर्स 1 में क्वेश्चन में दिया, इसलिए आप यूनिट नहीं लिखी है, ये तो हम समझ चुके हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, यहाँ से देखते हैं कार्बन के दहन की एंथैल्पी हमारे क्वेश्चन में दी हुई है -393.5, जिसको हमने क्या मान लिया, डेल्टा H1, H का जो संकेत है ये एंथैल्पी का संकेत होता है, H
और यहाँ डेल्टा मतलब उसमें कुछ चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, इसलिए उसके लिए डेल्टा लिखा गया है। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की धन एंथैल्पी, सीओ की जो धन एंथैल्पी है वो कितनी है, डेल्टा एच टू कितनी दी हुई है, -283। हमको निकालना क्या है, निर्माण की एंथैल्पी, ये दो दहन एंथैल्पी है और हमको निर्माण करना है किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा किससे, कार्बन से और ऑक्सीजन से। यहाँ पर जो जो दोनों एंथैल्पी दिए इनको अगर हम माइनस कर दें डेल्टा एच, तो डेल्टा एच वन माइनस डेल्टा एच टू, तो हमको जो है निर्माण की एंथैल्पी मिल जाएगी। डेल्टा एच वन कितना दिया, -393। डेल्टा एच टू कितना दिया, -283। देखिए -393.5 माइनस, और फिर ब्रैकेट में माइनस क्योंकि ये भी ऋणात्मक है, तो -283। तो ये जो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, यानी कि ये माइनस ये प्लस, घटेगा तो सही, बड़ी संख्या माइनस की, आपका आंसर आ जाएगा 110.5 माइनस में। ये रहा आपका थर्ड वाला ऑप्शन, -110.5, तो ये आपका सही आंसर है। इस तरीके के और क्वेश्चंस आप अपने घर पे करें तो इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, कुछ प्रॉब्लम आए तो जरूर पूछें। क्वेश्चन नंबर 7, तत्वों के, ये क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज में टिपिकल है बट काफी इजी है, बस ध्यान से समझने की जरूरत है। तत्वों के निम्नलिखित में से कुछ तत्व यहाँ पे दे रखे हैं, कौन से युग्म में इलेक्ट्रॉनों के सममित वितरण, सममित वितरण मतलब कि इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डिस्ट्रीब्यूशन के कारण स्थिरता प्राप्त करने के लिए विसंगतिपूर्ण, विसंगतिपूर्ण मतलब जो उसका ओरिजिनल होना चाहिए था वो नहीं हो के वो कुछ और शो कर रहा है, उसमें कुछ एक्सेप्शन है, विसंगति है। तो हमको कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हमको यहाँ पे देखना है। जेड, जेड का मतलब होता है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक या एटॉमिक जो नंबर होता है, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, हमेशा उसको पेयर में लिखते हैं, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करेंगे जेड से। तो यहाँ पे नाम दिए उनने PQRS, तत्व के ओरिजिनल नाम नहीं दिए उनको, एक सिंबल दे दिया है कि पी नाम का है, क्यू नाम का, आर नाम का, एस नाम का, और चारों के जो है इलेक्ट्रॉनिक जो उनके परमाणु क्रमांक है वो दिए हुए हैं। पी का है 27, क्यू का 29, और आर का है 24, और एस का है 22। मेरा भी बोला कि क्वेश्चन है आसान, बस इसको थोड़ा समझने की जरूरत है, तो मैं इसको शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। उसने कुछ चार तत्व दिए हैं, उनके नाम तो नहीं दिए, पी क्यू आर एस सिंबल फॉर्म में दिया है, उनके परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर दिया है, वो पूछ रहा है कि ये इनमें से कौन ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप है जो विसंगति दर्शा रहा है, यानी कि एक्सेप्शन शो कर रहा है, उसको जो उसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होना चाहिए था वो नहीं होकर वो कुछ और प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं कि एस और क्यू, ये हमारा एस और ये क्यू ये है, या के और हमारा एस है, सॉरी ये आर है ना, आर और एस, ये पी एस, और आखिरी में क्यू और आर। अब देखते हैं हम क्या करते हैं, सबको लिख लेते पहले 27, पी किसको माना 27, और 27 जो परमाणु क्रमांक होता है तो कोबाल्ट का, सी और ओ दोनों बराबर होंगे, सी और ओ कोबाल्ट। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब्बाऊ का जो सिद्धांत है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर, जब भी हम इलेक्ट्रॉन को उनके कक्षकों के अंदर भरेंगे ऊर्जा, तो उनके बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में, यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सबसे कम ऊर्जा वाले में, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, उस ऑर्डर को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे कोबोल्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई होप आपको लिखना आता होगा, 27 इसका परमाणु क्रमांक है, पहला जो है 1s में जाएंगे दो इलेक्ट्रॉन, दूसरा 2s में दो इलेक्ट्रॉन, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन 2p6, फिर s आता है आपका 3s, उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है ना, 3p6 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक s के अंदर 2, p के अंदर 6, d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन। अभी f की जरूरत नहीं है तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, s 2 इलेक्ट्रॉन और 3d। यहाँ ये ध्यान रखिए कि बुक्स में बहुत सी बार 3d आगे भी लिखा होता है और 4s पीछे लिखा होता है, तो कंफ्यूज नहीं है। एक्चुअल में 4s की जो एनर्जी होती है, ऊर्जा जो होती है, 3d की अपेक्षा कम होती है। तो आपबाऊ सिद्धांत को फॉलो करते हुए हम इस तरीके से लिखेंगे कि 4s की ऊर्जा कम है तो 3p के बाद आएगा और फिर 3d आएगा क्योंकि उसकी ऊर्जा ज़्यादा है। गिन लें, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 2, 22, हमारे जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा। 2, 4 हमारा कितना हो रहा है यहाँ पे, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20 और 2, 22 ही हो रहे, 5 और बढ़ा दें यहाँ, यानी 3d7 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आपके 2, 4, 6, 10, 12, 6, 18 और 20, और बचे हुए जो 7 है वो किस में चले जाएंगे, 3d7 में। इसको ये 3d2 नहीं करके उसको 3d7 कर ले,
27 जो एटॉमिक नंबर है उसके लिए। अब बचा हमारा अगला कॉपर। कॉपर जिसका सिंबल होता है Cu, जिसका एटॉमिक नंबर है 29, क्यू जिसको यहाँ माना गया क्यू। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d9। अब देखिए ये 4s2, 3d9 आपबाहु का सिद्धांत कहता है कि जो है ऊर्जा की बढ़ते हुए क्रम में अपने को इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 4s में दो चले गए, 3d9 में चले। लेकिन ये जो कॉपर है ये एक अपवाद दर्शाता है, एक्सेप्शन शो करता है। कौन सा अपवाद दर्शाता है? बाकी का तो सब ही, ये लास्ट वाले जो है 4s और 3d, इसको देखे 4s में दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में चला गया। क्या फायदा हुआ उससे? s के पास एक इलेक्ट्रॉन रह गया और d के पास 10। s के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते 2, यानी ये पूरा भरा हुआ है, और अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को कम कर दे तो ये कितना रह गया? 1, ये आधा भरा हो गया। d के अंदर मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन रह सकते 10, और अगर उसको आधा कर दे तो कितना हो जाएगा? 5। तो कक्षकों का सिद्धांत है कि अगर यह आधा भरा हुआ हो या पूरा भरा हो तो वो ज़्यादा स्थायी माना जाता है, स्थायित्व की ओर होता है वो। तो s के पास, उसके पास जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो उसने 3d को दे दिए, 9 से 10 हो गया, तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन रह गया, ये अभी भी आधा भरा हुआ है और d पूरा भरा हो गया, यानी ये पूरा भरा हो गया d वाला और s वाला आधा भरा हो गया। तो ये ज़्यादा स्थायी होगा, जिस तरीके से हमारी इनर्ट गैस सक्रिय गैस होती है, जिनका जो है इलेक्ट्रॉन विन्यास हम देखें तो सारे कोश पूरे भरे होते हैं, उसी तरीके से इसका आधा भरा हुआ और ये पूरा भरा हुआ, तो ये स्थायी होगा। इसलिए ये जो 29 क्यू वाला जो कॉपर है ये एक्सेप्शन यानी कि जो अपवाद है वो दिखाएगा। तो एक तो हमारा हो गया क्यू कॉपर 29, और एक हमारा अब बात करते अपन जो है क्रोमियम की, 24 क्रोमियम, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। आबाहु का सिद्धांत ये बोलता है उसके हिसाब से 4s2 और 3d4, लेकिन ये भी जो है एक्सेप्शन यानी कि अपवाद दिखाएगा। ये क्या करेगा? अपने से एक इलेक्ट्रॉन को डी को दे देगा, तो अब इसके पास कितने हो गए 4s1 और इसके पास कितने हो गए 3d5, वापस वही आ गया, ये भी आधा भरा हुआ और ये भी आधा भरा हुआ, और चूंकि दोनों आधे भरे हुए हैं तो ये ज़्यादा क्या हो गया? स्थायी। बाकी तो सारे पूरे भरे हुए हैं, ये दो भी आधे भरे हो गए, तो ये अन्य की तुलना में ये क्या हो गया? स्थायित्व की ओर हो गया। और लास्ट में बचा आपका s जिसका एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक 22, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2। तो पहला p और s तो नहीं है, बचा क्या हमारा? q और r, और q r वाला ऑप्शन कौन सा हमारा? फोर्थ वाला। तो ये आपका q और r इसका सही जवाब है, सही आंसर है। आई होप दोस्तों आपको आज की ये जो वीडियो है वो पसंद आए। आप नोट कर सकते हैं, आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखे, किस टाइप के कंटेंट के ऊपर आप कोई क्वेश्चंस जानना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं, कोई चीज़ आपको अच्छी लगी तो वो भी लिख सकते हैं। ज़्यादातर वीडियो को लाइक